जैसा कि आप देख सकते हो मॉल रोड के जस्ट पीछे स्नो क्लेड माउंटेन्स। इन दिनों काफ़ी टूरिस्ट भी देखे जा सकते हैं। वो 140 200 ठीक है। यहाँ से ले लिया था मशरूम, अभी यहाँ पे मैं ले रहा हूँ वॉलनट जो है 350 पर केजी। दोस्तों ये जो मेरे पीछे है ये है जवाहरलाल नेहरू पार्क और मनाली मॉल रोड। जैसा कि सामने आप देख सकते हैं ये है चौक और यहाँ से मॉल रोड का करेंगे पूरा वॉक थ्रू। अभी टाइम हो रहा है अराउंड 1:30 और आप देख सकते हो तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे कि इवनिंग होने वाली है। जैसा कि आप देख सकते हो और मॉल रोड के जस्ट पीछे स्नो क्लेड माउंटेन्स और इसकी जो ब्यूटी है उसको एक अलग ही लेवल पे लेके जाती है जो माउंटेन हिल्स जो हम लोग पीछे देख सकते हैं जस्ट बिहाइंड द मॉल रोड। शॉपिंग करने के लिए काफ़ी ड्रेसेस और आर्टिफिशियल चीज़ें अवेलेबल हैं मॉल रोड पे। काफ़ी ज़्यादा ठंड रही लास्ट नाइट जहाँ मेरा स्टे था इन ओल्ड मनाली। और इन दिनों काफ़ी टूरिस्ट भी देखे जा सकते हैं। और मेक श्योर कि मास्क आप पहने रखें, अदरवाइज यू माइट बी फाइन अगर आपको कोई पुलिस वाला देख लेता है तो। तो यहाँ पे आप बैठ सकते हैं और चिल कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं अपना टाइम। अच्छा यहाँ के मॉल रोड में काफ़ी स्पेस भी है। अगर आप आपने अगर मेरे पुराने वीडियो देखे होंगे मॉल रोड शिमला या मसूरी वाले, उससे ज़्यादा स्पेसस मुझे लग रहा है। आई मीन दिस एरिया मे बी ये सिटिंग एरिया है। तो एक बार मैं आपको गोल घुमा के देखते हैं इस एरिया को। मैं बैठा हूँ मनाली के मॉल रोड पे और ये एक सिटिंग एरिया है मॉल रोड पे। मनाली का जो मॉल रोड है और कंपैरिजन करेंगे शिमला या मसूरी की मॉल रोड पे और तो देखेंगे कि ये उतना लंबा नहीं है, काफ़ी क्यूट सा है। मुझे तो लगता है कि हार्डली 1 किलोमीटर भी होगा। जो ये सेंट्रल एरिया है मॉल रोड का काफ़ी अच्छे से उसको बनाया गया है। तो दोस्तों अगर आप HRTC बस से आते हो तो ये बस स्टैंड है जो मॉल रोड पर ही है। एक बार चल के देखते हैं। चलो भैया कसोल मणि करना भाई, कसोल मणि कर। तो दोस्तों देखो कितना ब्यूटीफुल ये बस स्टैंड है, गवर्नमेंट HRTC बस स्टैंड मनाली। तो सामने देख सकते हैं स्नो से भरे हुए पहाड़, वेरी नाइस। तो अभी चलते हैं मॉल रोड की छोटी छोटी जो मेन मार्केट से निकल के गलियों में। ये क्या चीज़ है आंटी? मशरूम। अच्छा मशरूम, कितने का पैकेट है ये? 30 रुपए का। 30 रुपए का ले लो, दुकान में 40 है। गीना वाला। कुछ स्पेशल है क्या यहाँ का, मतलब कुछ अलग होता है क्या यहाँ का पहाड़ों का? छट्टी है ना ये देखो। के सेम ही है जैसे दिल्ली में मिलते, अलग है। एक होता ना गोल गोल। हाँ गोल गोल। ये इसका नाम होता है दूसरा मशरूम से रबड़ा। अच्छा ना फैक्ट्री में। अच्छा छट्टी है। अच्छा टेस्ट सेम है। अच्छा टेस्ट सेम है।
मतलब ये घर पे मतलब ऐसे घास में उगाते हैं, आप ये बोल रहे थे ना अभी? हाँ, मतलब वो फैक्ट्री वाला नहीं है, घर वाला है। अच्छा होता है वो भी। अच्छा अंकल, 140 ठीक है आंटी, ठीक है, थैंक यू। पहले वापस किया। हाँ हाँ, तो यहाँ से ले लिया था मशरूम, अभी जाएंगे एक छोटी सी गली में, देखते हैं क्या है यहाँ पर। भाई किस तरह दे रहे? ये है NAC रोड और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ वॉलनट जो है 350 पर केजी। ठीक है, एक वो दे दो, एक किलो ये वाले। कैसे टेस्ट में कैसे हुए एप्पल? चलो दे दो एक किलो, तो दे दो 40 किलो ना, 40 रुपए किलो एक सर जी। तो अपनी तो होगी शॉपिंग सेब, एप्पल और वॉलनट ले लिया। वॉलनट ऑलमोस्ट इट इज द हाफ प्राइस व्हाट यू बाय फ्रॉम द डेली, 350 पर केजी। ये जस्ट HRTC बस स्टैंड के सामने है, आप यहीं बैठते हैं भैया? मंदिर के सामने अंकल बैठे हैं। अच्छा, पापा बैठते हैं। तो फ्रेंड्स, दोस्तों, तो मेरे मॉल रोड की शॉपिंग और मॉल रोड का वॉकथ्रू हो गया कंप्लीट। तो मॉल रोड से नीचे उतर के इस साइड में है आपका प्राइवेट बस स्टैंड और मॉल रोड के साथ में HRTC बस स्टैंड। तो मेरी है प्राइवेट बस, तो मुझे जाना पड़ेगा डाउन द मॉल रोड अपनी बस लेने के लिए। तो यहीं पे और अपनी बस लूँगा, बस है मेरी 4 बजे जो कल दिल्ली पहुँचेगी अराउंड 6 या 7 मॉर्निंग तक, और एक दो घंटे लेट भी हो सकती है, डोंट नो। तो देखते हैं, तो अभी कंटिन्यू करता हूँ और पहुँचता हूँ बस स्टैंड पर। ये दोस्तों, मैं पहुँच चुका हूँ प्राइवेट बस स्टैंड जो मॉल रोड से नीचे उतरने पर ही है, और जो गवर्नमेंट बस स्टैंड जो HRTC बस स्टैंड मैंने दिखाया था वो था मॉल रोड पे। अगर आपकी बस यहाँ से है, एक्चुअली जो भी वॉल्वो और प्राइवेट बसेज हैं वो यहीं से जाती हैं, इसको बोलते हैं रिवर साइड प्राइवेट बस स्टैंड या वॉल्वो बस स्टैंड मनाली। और यहाँ से जो व्यू आ रहा है इस बस स्टैंड का वो सच में ब्रेथ टेकिंग है। सामने देखिए स्नो से भरे हुए माउंटेंस, और अभी थोड़ी थोड़ी करके ठंड बढ़ रही है। तो अभी मैं चलूँगा अपनी बस में जो 4 बजे चलेगी, 10 मिनट है बस को चलने में, तो अभी चलता हूँ अपनी बस के अंदर।